सो आज की इस क्लास में हम लोग टेक्निकल कम्युनिकेशन वर्सेस जनरल कम्युनिकेशन के विषय में डिस्कस करेंगे. क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन? आप सभी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्निकल कम्युनिकेशन को कैसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और किस तरह से वो जनरल कम्युनिकेशन से अलग होता है. क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कम्युनिकेशन के दो डिफरेंट मोड्स को प्रिपेयर करता है? कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन को टेक्निकल बनाता है और दूसरे को जनरल बनाता है? तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, इन्हीं सब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, जिससे कि हम जनरल कम्युनिकेशन से इसको डिफ्रेंशिएट आसानी के साथ कर सकें. तो सबसे पहले ये है कि दीज आर टू डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन दो अलग अलग मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, और ये हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल मैसेज. ध्यान रखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि ये कोई ऐसा इंजीनियरिंग का, कोई साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैसेज को एक जगह से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करता है. दिस में इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ मशीन्स. तो ये मशीन्स के बारे में भी बात कर सकता है. सपोज आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है, आप एक मशीन के बारे में एक रिपोर्ट लिख रहे हैं अपनी कि इसमें क्या फॉल्टी था, क्या दिक्कतें थी. तो ऐसे में जो आप जिस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कौन सा है, कौन सा कम्युनिकेशन है? वो है टेक्निकल कम्युनिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, ठीक है. दिस मे ऑल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ टेक्निकल प्रोसीडिंग्स. तो ये ऐसा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें टेक्निकल प्रोसीडिंग्स के बारे में, प्रोसीजर के बारे में आप बात कर सकते हैं. कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप सपोज एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं अपने स्पेसिफिक फील्ड का, तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो टेक्निकल कम्युनिकेशन का ही एक एग्जाम्पल होगा. इट इज सिस्टमैटिक एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, और बहुत ही प्री डिफाइंड और सिस्टमैटिक होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है. इसके कई डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है. और ये हमेशा प्री डिफाइंड होता है और सिस्टमैटिक होता है. यानी ये नहीं कि और कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, ये जनरल कम्युनिकेशन के अंदर में आएगा. टेक्निकल कम्युनिकेशन हमेशा प्री डिफाइंड होगा, पर्टिकुलर एक कोई स्पेसिफिक वजह से किया जाता है ये. और जब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज दिस इज प्री डिफाइंड, दिस इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक. हम कुछ भी उसमें नहीं लिख सकते, और यही वजह है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. और जो जागन है, अगर टेक्निकल टर्म यूज किए तो उसको सिंप्लीफिकेशन भी उसका इंपॉर्टेंट है. अगर आप जागन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो भी लोग उस बात को नहीं समझ पाएंगे. इट इज सिस्टमैटिक एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. आई होप कि मैं आपको अभी अभी ये डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ. वर्क्स अपॉन सर्टेन गाइडलाइंस, और इनकी एक सर्टेन गाइडलाइंस होती है जिनके ऊपर ही ये काम करता है. यानी इसमें हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते. कोई नॉवेल नहीं है कि आज मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो आज मैंने ये लिख दिया, कल कुछ और समझ में आया तो कुछ और लिख दिया. ये हमेशा सिस्टमैटिक और प्री डिफाइंड होता है, और साथ ही साथ कुछ इसकी जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं ये उन्हीं पे काम करता है. तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, और तभी आप टेक्निकल कम्युनिकेशन जो कि रिटन में होगा वो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे. आगे बढ़ते हैं, अब जनरल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे. जनरल कम्युनिकेशन इज फ्री फ्रॉम कम्युनिकेशन प्रोसीजर. अभी तक बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी. टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है, मेथड होता है, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन इससे फ्री होता है. इट डजंट हैव एनी प्रोसीजर, एनी प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं. इट फ्लोज फ्रीली. कुछ भी बोल दिया किसी से, कोई भी बात हो रही हो, और फ्रेंड्स में बात हो रही है आपस में, फैमिली मेंबर से बात हो रही है, अपने रिलेटिव से बात हो रही है, क्या हम सोचते हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं. इट फ्लोज फ्रीली. आप किसी राइटर का कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, वो आज ये विचार उसके मन में आता है, कल वो थॉट आया, परसों उसने ये बात करी,
लेकिन अगर आप वही कोई बुक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने मन से राइटर बात नहीं कर सकता, उसको वही लिखना पड़ेगा जैसा कि वो है, यानी वो अपने मन की कहानियां नहीं बना सकता। ही कांट फैब्रिकेट हिज ओन स्टोरीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड जनरल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन प्री डिफाइंड होता है, जनरल कम्युनिकेशन प्री डिफाइंड नहीं होता। इट हैज अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और ये इट फ्लोज फ्रीली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। जीसी मैंने लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, जनरल कम्युनिकेशन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है इसमें, यानी ये एकदम फ्लो, इट फ्लोज विद द फ्लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमको समझ में एट प्रेजेंट आता है वो हम बोल देते हैं। इट एक्सप्रेसेस द डीप रूटेड सेंटीमेंट्स। कई बार सेंटीमेंट्स भी हमारे ये एक्सप्रेस करता है। आप अपने गिले शिकवे भी इसमें शेयर करते हैं। इट हैज वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन एट पर्सनल लेवल। कई बार सपोज किसी जगह का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कोई किसी व्यक्ति के बारे में एट्रीब्यूट्स उसके या उसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, तो हम फ्रेजेस यूज कर लेते हैं। शी इज एज ब्यूटिफुल एज मून, शी इज एज ब्यूटिफुल एज द मून, शी इज लाइक अ मून, ओके, लाइक ओके ओके। सपोज आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जैसे वो बहुत खूबसूरत है, तो शी इज एज ब्यूटिफुल एज द मून, ओके। तो ये चीज, लेकिन जब हम टेक्निकल कम्युनिकेशन लिखेंगे तो हम उसमें सिमिलीज और मेटाफर ये सब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जैसा है वैसा ही हमको लिखना होगा। इट इज लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर की लैंग्वेज होती है, जैसा कि मैंने नॉवल का एक आपको एग्जाम्पल दिया, कोई स्टोरी लिखते हैं या कुछ भी आप इमेजिनरी कुछ राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ऐसे में आप जनरल कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। इट इज इमेजिनेटिव एंड इम्पल्सिव। बहुत ही इम्पल्सिव होती है, बहुत ज्यादा इसमें हम अपने इसमें पैशन को, अपनी फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रही है। स्पेसिफिक टॉपिक इसमें भी हो सकता है, लेकिन वो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, तभी उसको टेक्निकल कम्युनिकेशन बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ते हैं जिससे कि हमको और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए। एम इज टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका एम क्या है, कि हम इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस और जो चीजें हैं उनको हम ढंग से डिलीवर कर पाए। ऑब्जेक्टिव स्टाइल होता है, ये बिल्कुल बहुत ही टू द पॉइंट होता है, बहुत जो भी हमको लिखना है, जो मेन उसका थीम है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट और सही हो, मतलब उसमें कुछ भी इमेजिनेटिव बातें ना हो, और प्रिसाइज हो, एकदम टू द पॉइंट हो। सिंपल बट इफेक्टिव, सिंपल होना चाहिए और बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो हमारे ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए। रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोफेशन, जो स्पेसिफिक, जैसे मैंने आपको क्या बताया, इंजीनियरिंग हो सकता है, साइंस हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में ये बात कर सकता है। और यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स, इसमें जागन होते हैं, जिनको टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं वो भी इसमें होते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है। अब वहीं हम जनरल कम्युनिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो जनरल कम्युनिकेशन क्या है, अम्यूजमेंट पे एम करता है, मतलब ये कि थोड़ा अम्यूजमेंट के लिए लोग जैसे बोर हो रहे हैं तो चलो एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, या कुछ ब्लॉग्स भी ऐसे होते हैं, ब्लॉग भी टेक्निकल ब्लॉग्स होते हैं, कुछ ब्लॉग्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कि हम ट्रैवलिंग के बारे में बताते हैं, या फिर हम बताते हैं कि कुकिंग के बारे में, किसी पर्टिकुलर जैसे एक कुकिंग हो गया या फिर गार्डनिंग हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में भी। तो क्या है, अम्यूजमेंट पे ये एम करता है, ये सब्जेक्टिव होता है, इसमें पर्सनल स्टाइल होती है, यानी ये इसकी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टाइल में इसको लिखना चाहता है या किस स्टाइल में इसको बताना चाहता है, तो पर्सनल स्टाइल इसमें होती है। डेकोरेटिव एंड बम्बास्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत वर्ड्स, फ्रेजेस, बहुत सारे मेटाफर्स वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि जिसको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं,
तो फिगर ऑफ स्पीच उसमें बहुत यूज करते हैं, बहुत डेकोरेटिव, बहुत फैंसी लैंग्वेज होती है जिससे कि हम अपने फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को ऑडियंस तक पहुंचा सकें। वर्ड यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट वर्ड्स, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है, बहुत खर्चेलू, इकोनॉमिकल का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है इकोनॉमिकल का, यानी ये कि बहुत ही वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट यूज रहता है उनको वर्ड्स का, मतलब उसमें कोई, क्योंकि कोई लिमिट नहीं होती कि हमें इतने वर्ड्स में पूरी स्टोरी लिखनी है या इतने वर्ड्स में पूरी नॉवल खत्म करनी है, तो ऐसा नहीं होता, तो इस वजह से एक्स्ट्रावेगेंट यूज रहता है वर्ड्स का। दूसरा, रिलेटेड टू लाइफ इन जनरल, ये जनरली लाइफ के बारे में बात करते हैं, बेसिकली दे टॉक द जनरल कम्युनिकेशन आर्टिकल्स टॉक अबाउट लाइफ। ओके, तो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के विषय में ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यूज ऑफ कॉमन वर्ड्स, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, दैट्स व्हाई यूज ऑफ कॉमन वर्ड्स। इसमें क्या था, टेक्निकल टर्म्स होने ही चाहिए, अगर इंजीनियरिंग के बारे में लिख रहे हैं तो, और इंजीनियरिंग में भी अगर मैकेनिकल के बारे में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में लिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जार्गन्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अभी तक हमने जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन अ प्रॉपर वे, बट अभी भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम समझ लेंगे तो हमें लिखने में तो मदद होगी ही, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स पाने में भी ये हमें हेल्प कर सकती है। तो देखते हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन किन बेसिस पे, यानी किस वजह से दोनों आपस में इतनी अलग हैं। तो सबसे पहले तो हम उनका नेचर देखेंगे। तो नेचर कैसा होता है, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। टेक्निकल कम्युनिकेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, नो डाउट। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं तो हमेशा जो भी आप पर्पसफुली लिख रहे हैं और उसी को आपको बताना है, यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश। ये सुना है आपने, ये कहावत है, इसका मतलब है डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी घुमा फिरा की बातों को मत कहो, एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट कहो। वहीं जनरल कम्युनिकेशन कैसा होता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, यानी ये चॉइस है उस राइटर की जो कि वो राइटिंग कर रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का उसका पर्पस है लिखने का, तो वो सब्जेक्टिव भी लिख सकता है और ऑब्जेक्टिव भी लिख सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होगी। अब हम बात करेंगे कि डिक्शन क्या होता है, इसकी शैली क्या है, ठीक है, तो हमेशा वो ऑफिशियल होगी और वो अनऑफिशियल होगा, यानी जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो ऑफिशियल होगा, हमेशा फॉर्मल होगा, और वहीं वो अनऑफिशियल होता है, मतलब वो कोई प्री डिफाइंड नहीं होता। अब हम लोग बात करेंगे कंटेंट के बारे में। तो कंटेंट क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन का ऑफिशियल होता है, वहीं जनरल कम्युनिकेशन में अनऑफिशियल होता है। ऑफिशियल आप समझ रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, ये हमेशा फॉर्मल होगा और ये हमेशा इनफॉर्मल होगा, आप समझ रहे हैं, ये प्री डिफाइंड होगा जबकि ये प्री डिफाइंड नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं डिक्शन के बारे में। डिक्शन यानी शैली, हमेशा डायरेक्ट होगी, जो भी बात कहनी है वही बात कही जाएगी, और ये फिगरेटिव हो सकती है, अलंकृत हो सकती है, मतलब इसमें अलंकारों का यूज हो सकता है, इसमें बड़ी बम्बास्टिक जो डेकोरेटिव लैंग्वेज है, बहुत ही फैंसी लैंग्वेज है, उसको यूज कर सकते हैं। ग्रामर पैटर्न क्या होगा, ये एक्टिव में हमेशा लिखा जाता है, वहीं ये एक्टिव या पैसिव दोनों में हो सकता है। एक्टिव में लिखने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन टू द पॉइंट होना चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसे हम एक्टिव में लिखें। अगर हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा और फिर जो टू द पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। वो टू द पॉइंट होता है इसलिए एक्टिव वॉइस हम इसमें लिखते हैं। पर्पज, इसका पर्पज क्या होता है, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हम टेक्निकल कम्युनिकेशन करते हैं। वही ये पब्लिक इन जनरल, ये जनरली हम किसी के लिए भी इस तरीके का कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम प्रोसेसिंग देखेंगे। फॉलोज एज अ सेट पैटर्न, प्री डिफाइंड, मैंने पहले ही बता दिया कि प्री डिफाइंड होता है, हमेशा सेट पैटर्न को फॉलो करता है, जबकि फॉलोज नो फिक्स पैटर्न, इसका कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। लेंथ इसकी डेफिनेट होती है कि इतने ही वर्ड्स में हमको कंप्लीट करना है या इतना इतनी लेंथ का ही ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वहीं टेक्निकल जनरल कम्युनिकेशन में कोई भी सर्टेन क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तभी ये दो अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। डायलेक्ट स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो जो जिस तरीके की बोलने का ढंग, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड होता है,
और ये कॉमन या रीजनल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अवधि वर्ड्स भी, अगर मान लीजिए हिंदी में कोई लिख रहा है तो अवधि वर्ड्स भी यूज कर सकता है, ब्रज भाषा का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही, लेकिन अगर हम इसको हिंदी में भी लिखेंगे ना तो भी हम वही पर्टिकुलर वर्ड लिखेंगे जो स्टैंडर्ड है, यानी हम अपने मन से किसी भी तरीके का डायलेक्ट उसमें यूज नहीं कर सकते। कंक्लूजन हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन वुड ऑलवेज बी रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन ये इसमें हो भी सकता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो और हो सकता है ना भी हो, ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से राइटर की चॉइस पे या उसकी स्टाइल पे। तो आज मैंने आपको बहुत सारे ऐसे बातें बताई, ऐसे एस्पेक्ट्स बताए जो कि टेक्निकल कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर ये आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप खुद भी एक अच्छे टेक्निकल राइटर तो बन सकते ही हैं, साथ ही साथ आप अच्छे मार्क्स भी पा सकते हैं। तो आई होप दिस क्लास विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स, ओके।